नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने आसपास जितने भी टीन एज को देखते हैं उसमें से 80% ओबेज होते हैं। उसका कारण मेन यही है कि लोगों ने घर का खाना कम और बाहर का खाना ज्यादा शुरू कर दिया है, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स एंड सो ऑन। बहुत सारे पेरेंट्स के लिए, इवन टीन एज बच्चों के लिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि हम इसे कम कैसे करें या ओबेसिटी को कंट्रोल में कैसे लाएं। आइए हम बात करते हैं इसी टॉपिक पे। इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं डाइटिशियन अक्षिता गंगवाल। डाइटिशियन अक्षिता गंगवाल एक सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर, एमएससी किया है डायटिक्स एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन में, डिप्लोमा इन फिजिकल फिटनेस एंड वेट मैनेजमेंट। मिलते हैं डाइटिशियन अक्षिता गंगवाल से और बात करते हैं टीन एज ओबेसिटी की। मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। मैम, सबसे पहले तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करना चाहती थी, जो टीन एज ओबेसिटी है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। तो इसका हम क्या करें, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ओबेसिटी जो है वो एक सीरियस लॉन्ग टर्म डिजीज है एंड उसकी जो भी पर्सन है जो ओबीस है उन लोग को काफी रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे ब्रीदिंग इश्यूज है, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, या फिर अपना स्लीपिंग इश्यूज हो सकता है। जो भी इंसान लाइक टीनेजर में थोड़ा ओबीस है तो वो ऐसा नहीं होता है कि वो आज ओबीज हुआ है या कल उसने कुछ खाया और आज वो ओबीज हो गया। इट इज नॉट एन ओवरनाइट थिंग। तो बेसिकली ये जो रिस्क ऑफ ओबेसिटी है इट स्टार्ट्स अर्ली इन द लाइफ। तो जब आप कहो कि लाइक फॉर अबाउट 5 या 6 इयर्स के हो या अडोलसेंट वाले एज ग्रुप में हो, इस टाइम पे अगर आप आपके ईटिंग फैक्टर्स पे, आपके एनवायरमेंटल चीजों को अगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो आप टीनेज लाइफ में ओबीस होने के चांसेस आपके 80% हाई हो जाते हैं। तो मेजर जो है हम लोग को टीनेज लाइफ में ध्यान देना है, पर हम लोग को जो है वो एक अर्ली लाइफ में जो चाइल्डहुड है, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, वहां पे ज्यादा ध्यान देना है। एक एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड्स, पियर ग्रुप्स, ये सारी चीजों को हम लोग को इन्वॉल्व करके ध्यान देना है टू रूल आउट ओबेसिटी। तो आप क्या डाइट प्लान सजेस्ट करोगे एक टीनेजर के लिए जो ओबेस है? बेसिकली रादर देन लाइक गोइंग ओवर अ डाइट प्लान, देर आर सम डाइट टिप्स दैट आई कैन से। सो सबसे पहले है कि ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। तो आज के इज लाइक अ वेरी फास्ट मूविंग हमारा लाइफ हो गया है, जहाँ पे हम लोग बस उठते हैं, बैग वगैरह उठाते हैं एंड वी रन टू द स्कूल। तो उसकी जगह पे इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ले, सो दैट ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा आपके लाइफ का, जहाँ पे यू विल नॉट बी स्टार्विंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड जब आप ज्यादा देर स्टार्व नहीं कर रहे तो आप ज्यादा चीजों पे क्रेव नहीं करोगे। जब आप अगला मील ले रहे हो आप ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करोगे। तो ब्रेकफास्ट इज अ मस्ट विच कैन बी इंक्लूडेड। अपार्ट फ्रॉम दैट चूज माइंडफुली दी ऑप्शंस, जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे, इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। लाइक से इफ अगर आप थर्ड फ्लोर पे रहते हो फॉर एग्जाम्पल, चूज स्टेयर्स ओवर द लिफ्ट, एक हेल्थियर ऑप्शन है। अगर आप कॉलेजेस में हो या स्कूल्स में हो, जो भी है, जो भी टीनेजर्स है, बच्चे है, अगर वो वाला जो एज ग्रुप है, अगर उन लोग के ब्रेक टाइम में, जस्ट इन केस रादर देन गोइंग टू द जस्ट टू द कैंटीन एंड ग्रैबिंग थिंग्स, दे कैन चूज सम काइंड ऑफ गेम्स अलोंग विथ योर ईटिंग टाइम। थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा खेल ले, जहाँ पे लाइक वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, एनी काइंड ऑफ स्टफ्स, उन लोग को जहाँ पे भी टाइम मिलता है वो थोड़ा खेल ले, रादर देन यूजिंग देयर फोन्स फॉर गेमिंग। इट इज बेटर टू गो डाउन स्टेयर्स एंड प्ले विद एक्चुअली विद द फ्रेंड्स, नॉट द रियल लाइफ बट द रियल लाइफ। सो इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू डू दैट। एंड स्नैकिंग अगेन, थोड़ा एक ज्यादा ये हो गया कि हम अगर कुछ भी फ्री बैठे हैं तो वील जस्ट कीप स्नैकिंग थिंग्स। सो इट्स बेटर टू लिमिट स्नैकिंग। इवन इन इन केस ऑफ स्नैक कर रहे हो, चूज द ऑप्शंस वाइजली, विच इज लाइक वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ले सकते हो, आलमंड्स है, ऑयल सीड्स है, पॉपकॉर्न्स है फॉर एग्जाम्पल, या फिर मखाना है, प्रोटीन
रोस्टेड नट्स है या रोस्टेड चना है, खाकराज है, दीज आर समथिंग विच दे कैन एक्चुअली चूज एज अ स्नैकिंग ऑप्शन रादर देन फ्राइज कुछ खा लिया या वड़ा पाव ले लिया या पकौड़ा खा लिया, इस चिप्स खा लिए, इन सब चीजों से ये अच्छा है. इवन इफ दे आर चूजिंग फॉर चिप्स, रोस्टेड या बेक्ड चिप्स आर अ हेल्दियर ऑप्शन एज कम्पेयर टू अदर फ्राइड वंस. सो दे कैन गो विद द चूजिंग द टाइप ऑफ द लाइक कुकिंग पैटर्न. इट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू ईट हेल्दी एंड टू एंजॉय द फूड दैट दे आर ईटिंग. इफ अगर ये नहीं है, इफ आई एम सेइंग स्ट्रिक्टली टू अ चाइल्ड कि आपको यही खाना है एंड इफ ही इज नॉट हैप्पी विद दैट, ही कैन नॉट लूज वेट बिकॉज ही इज नॉट एक्सेप्टिंग द चेंज फ्रॉम हिज हार्ट, फ्रॉम विद इन, तो वो चेंज नहीं होगा बॉडी में. सो एक्सेप्टिंग थिंग्स एंड बींग हैप्पी इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो जो भी है हमें वन बाय वन चेंजेस लाने हैं. अगर हम सारे चेंजेस एक साथ लेके आएंगे, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनी ह्यूमन बींग टू एक्सेप्ट एट वन पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट. तो एक एक करके चेंजेस लाना बहुत जरूरी है. एंड यस, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा ज्यादा इमोशनल है या कोई स्ट्रेस है, तो टेकिंग सम काइंड ऑफ एन एक्सटर्नल हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प इज अ मस्ट. सो चीजें थोड़ी बेटर होगी आपके माइंड के साथ, वो एक कर सकते हैं. एंड यू कैन जस्ट कंट्रोल योर पोर्शन साइज. अगर आप फ्राइज भी खा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि पूरा एक टब भर के या पूरा एक पोर्शन जितना मिल रहा है उतना एक साथ खा लो. इट्स बेटर टू शेयर थिंग्स, थोड़ा ये खा लो देन थोड़ा चूज द अदर ऑप्शंस. सो कंट्रोलिंग द पोर्शन साइज इज अगेन इम्पॉर्टेंट. तो ऐसे करके हम वेट डेफिनेटली कम कर सकते हैं. एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला कि एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, एज अ फ्रेंड्स, हम लोग को हेल्प करना है, ना कि हम लोग को पोक करना है एनी काइंड ऑफ अ पर्सन जो ओबीज है कि यार आप तो ओबीज हो, वजन कम कर लो. ऐसे वजन नहीं कम होने वाला. सो इट्स बेटर कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इमोशनली ही इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग. सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यार आज हम थोड़ा हेल्दियर ऑप्शन चूज कर लेते हैं. ट्राई इंक्लूडिंग, अगर थोड़ा छोटा बच्चा है, बचपन से ही अगर कैलकुलेट करना है, तो उसको थोड़ा प्रिपरेशन में, जो कुकिंग हो रहा है उसके शॉपिंग में, थोड़े प्रिपरेशन में हेल्प लेने का कोशिश करो. सो दैट सिंस चाइल्डहुड उसको पता चलेगा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट इज अवेलेबल, वो कैसे चीजें खुद से चूज करने लगेगा. इवन इफ इट इज चीज, इट्स ओके इफ ही इज चूजिंग चीज, टेल हिम कि इतना ही डालेंगे, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है. टेल हिम कि अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आज हम लोग सारी ग्रीन वाली चीजें लेंगे या फिर हम सारी रेड वाली चीजें लेंगे, तो आज वही खाने में जाएगा, आज वो हमें ज्यादा खाना है. तो इस थोड़े थोड़े चेंजेस से हम लोग थोड़ा थोड़ा एक अच्छे चेंजेस ला सकते हैं. बीट अ चाइल्ड, बीट अ टीन, बीट एन अडल्ट, ऐसे चेंजेस थोड़े ला सकते हैं. थैंक यू सो मच अक्षिता मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया एंड आई एम श्योर जो भी इसको फॉलो करेगा उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दोस्तों हम इसी तरीके से नए टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे और किसी नई पर्सनालिटी को आपसे मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।